अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बट के सालन की रेसिपी। जी हाँ, ये बहुत मज़े का होता है। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता, कमेंट्स करेंगे कि भाई हम नहीं खाते, लेकिन जिन लोगों को पसंद है वो पकाते हैं, तो सबका अपना तरीका होता है। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ एंड तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते, बहुत कम मसालों से और फटाफट रेडी हो जाती है। बस इसको गलने में टाइम लगता है और कोई ख़ास मसाले नहीं डलेंगे, ना इसमें टमाटर ना दही, कुछ भी ऐड नहीं होगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 किलो बट के लिए मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। 1 kg बट ली है, तो उसके साथ मैंने ये 6 अनियन ली थी और उनको वॉश करके कट कर लिया है। इनको ज़्यादा बारीक नहीं काटना और मोटा ही रखना है, क्योंकि बहुत देर तक ये जब बट पकती है तो तकरीबन इसको 2.5-3 कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे तो लगते हैं अच्छी तरह गलने में। तो इसके लिए जब प्याज हम मोटी रखते हैं तो वो अच्छी तरह से गल जाती है इतनी देर में। तो हम यहाँ अनियन को लाइट इसको फ्राई करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस इतना हमें पकाना है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, उसके बाद भून रही हूँ। सॉरी, क्लिप मिस हो गई है, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सकी। उसके बाद अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद यहाँ पर मैं पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल रही हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करा था, देखें, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर 1.5 टेबल स्पून वो ऐड होगा। कोई इसमें अलग से मसाले नहीं डलने, वही जो हमारे घर में होते हैं तमाम सालन में डलते हैं, वही मसाले डले हैं, पिसा धनिया, रेड चिल्ली पाउडर और अदरक लहसुन पेस्ट प्याज के साथ। और अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे। अगर पानी नहीं डालेंगे तो प्याज भी डार्क कलर की हो जाती है। ये देखें जी, बट है, बट को अच्छी तरह से मैंने एक एक बोटी को पकड़ के हाथ में अच्छी तरह पानी से धोया है। इसको वॉश करना है, बहुत इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से वॉश करना है। ये 1 किलो बट है। और अब हमने जो ये मसाला भून लिया है, इसमें अभी हमने सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं करा है, पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्च और अदरक लहसुन, बस 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हुए हैं प्याज के साथ, और इसको भून लिया है। अब मैंने यहाँ पर इसमें बट ऐड कर दी है। तो बट ऐड करने के बाद हम इसको भूनेंगे। ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि मसाला अच्छी तरह से बोटियों पे लग जाए, सब मिक्स हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद, 1 मिनट भूनने के बाद, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट। जी, सॉल्ट हमने पहले ऐड नहीं करा था, हमने सिर्फ धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड किया था। अब हमने यहाँ पर सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट किया है इसके अंदर। सॉल्ट डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हमें इसको 2-2.5 घंटे पकाना है, 3 आवर्स भी लग सकते हैं। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करें कि अच्छी तरह से इसके अंदर डूब जाए, मतलब ऊपर नज़र नहीं आए बोटियां, और इतनी देर तक ये पक सके, क्योंकि हमें बार बार ढक्कन खोल के चेक नहीं करना है। 2 घंटे तक ये हल्की आँच पर पकेगी, तो बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए आराम से, ताकि ये जले नहीं और पकते रहे। तो यहाँ देखें, मैंने काफ़ी सारा पानी इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाला है और उसको पकने रख दिया है। तो ये तकरीबन 1-2 घंटे तक आप इसको खोलें नहीं, 2-2.5 घंटे बाद आप इसको खोल के चेक करें बोटी अगर गल गई है, और अगर नहीं गली है तो पानी थोड़ा और डाल दें अगर ड्राई हो रहा है, और अगर बोटियाँ गल गई हैं आप इसको इस तरह से चेक करें, आराम से टूट रही है, और अगर पानी थोड़ा रह गया था यहाँ पर तो मैंने उसको पानी को अब इस तरह से ढक्कन खोल के उसको भूनना शुरू करा और उसको पानी को ड्राई कर लिया। ये देखें, क्योंकि अच्छी तरह से ये देखें कितना अच्छा गल गया है गोश्त। इसको 3 आवर्स लगे थे, 3 आवर्स में ये बहुत अच्छी तरह से गल गया। मसाले इसमें कुछ भी ख़ास नहीं डले, ना दही डला है, ना टमाटर डला है इसके अंदर, ना हल्दी डली है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुछ भी नहीं, सिंपल मसाले हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है। अब इसके ऊपर से हम भूनने वाला है, तो हम गरम मसाला डालेंगे।
तो गरम मसाले के लिए मैंने यहाँ पर ले ली हैं तमाम चीज़ें जो भी हमारे गरम मसाले में होती हैं, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, ये देखें तमाम चीज़ें ले ली हैं। इसमें मैंने छोटी इलायची भी ऐड करी थी, वो इस वक्त क्लिप में नहीं आई है, लेकिन इसमें छोटी इलायची और तेज़पत्ता वो भी मैंने ऐड करा है। तो जब मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी, जब आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें, तो ये तमाम गरम मसाला है। इसको आप इस तरह से एक दफ़ा पीस के रख लें, तो जो भी कोई आप सालन बनाएं या बकरे के बाद बनेंगे, ये देखें तेज़पत्ता और छोटी इलायची भी मैंने ऐड करी है, और इसको ड्राई रोस्ट करके इसको पीस लिया है। ये देखें ब्राउन कलर का बहुत खुशबूदार सा हमारा गरम मसाला तैयार हो गया है। अब बकरा ईद के बाद जो भी डिशेस बनेंगी, निहारी, पाए, हलीम, उनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी मैंने पहले पीस के रख लिया है, आगे ये काम आएगा। तो यहाँ हमारी बिल्कुल बट का सालन रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट ऑयल ऊपर आ गया है। तो हम इसमें टू अहम इंग्रेडिएंट्स जो जिससे इसमें खुशबू आएगी और टेस्ट डेवलप होगा, वो हम ऐड करेंगे। ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड करा है, और दूसरा है कसूरी मेथी। ड्राई मेथी है, ये ड्राई कसूरी मेथी कहलाती है। ये हमने ऐड करी है 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये दोनों चीज़ें पका के थोड़ी देर हमने भूना है, और अब थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे दम पर, ताकि ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो थोड़ी देर बाद जब हम इसको देखें, चेक करते हैं, तो कितना अच्छा प्यारा कलर आया है, और हमारा सालन रेडी हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी, बहुत मज़ेदार सी और कम इंग्रेडिएंट्स में हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं डले हैं जो आपको परेशानी हो, जो घर में मौजूद होते हैं उन्हीं से हमने ये रेसिपी तैयार करी है। लेकिन ये बहुत मज़े की होती है, ना दही, ना टमाटर, ना हरा धनिया, हरी मिर्च, कुछ भी आम इंग्रेडिएंट्स नहीं डले हैं, और बड़े मज़े की डिश हमारी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रोटी, चावल सबके साथ आप इसको खाएं, और रेसिपी को ट्राई करके बताइएगा कि कैसी लगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में कमेंट करके भी बताएं कि आपको इस चैनल पे ऐसी वीडियोस लगती हैं, और आपको किस तरह की वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस चैनल पे देखना। तो प्लीज़ अपने राय कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा जाते जाते। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।